बच्चों के साथ। आज 19 जुलाई को माता कलिसिया संत जुस्ता और संत रूफिना का पर्व मनाती है। संत जुस्ता का जन्म सन 268 में, संत रूफिना का जन्म सन 270 में हुआ था। ये दोनों संत कुंवारी थी जो प्रभु येसु के लिए शहीद हो गई थी। ये दोनों संत मिट्टी का बर्तन बनाकर बाजारों में बेचकर अपनी जीविका चलाती थी। संत जुस्ता एवं संत रूफिना हर वक्त एक साथ रहकर एक दूसरे को पूर्ण रूप से सहयोग किया करती थी। जब उनके आध्यात्मिक जीवन पर मनन करते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों संत इतना व्यस्त होने के बावजूद भी प्रार्थना के लिए समय निकाल लेती थी। इनका संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय था। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों को बनाते वक्त भी प्रभु येसु से प्रार्थना किया करती थी। यही कारण था कि वे अपने इस व्यवसाय में सफल रहती थी। संत जुस्ता एवं संत रूफिना के कार्यों को देखकर बहुत से लोग ईर्ष्या भी करते थे। कुछ अधिकारी लोग उनके व्यवसाय को भंग करने के उद्देश्य से उन्हें देव मूर्तियों को बेचने का आदेश देते थे, लेकिन वे इस कार्य को करने से सख्त मना करते हुए कहते थे, हम लोग देव मूर्तियों का व्यवसाय नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सच्चे ईश्वर की उपासना करते हैं, देव मूर्तियों की नहीं। इस बात से अधिकारी लोग गुस्सा होकर दोनों संतों को शिलाओं पर बांधकर उनके बगल को हुक से फाड़ दिया, जिससे वे अपने जीवन से सच्चे ईश्वर को निकाल दें एवं देव मूर्तियों की आराधना कर सके। इतना कष्ट झेलने के बाद भी वे अपने ईश्वर प्रभु येसु को त्यागते नहीं हैं। वे कहते हैं, हमें जान से भी मार दोगे तब भी मरते वक्त हम दोनों अपने सच्चे ईश्वर की आराधना व उपासना करते ही रहेंगे। अंत में दोनों संतों को मारकर उनके शरीर को जला दिया जाता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में सच्चे ईश्वर को पहचाने, जिससे उसकी आराधना एवं उपासना सच्चे दिल से कर सके। आमीन।